लेकिन आगे में जो पिलर कुछ मुझे दिख रहा है, शायद आपको कैमरा में नहीं दिख रहा होगा, मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं आ गया हूँ पिलर नंबर 100 यानी 100 के पास में, और यहीं पे देखिए ये क्रेन लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे पिलर नंबर 102 है, और इससे आगे दो पिलर और जो बनना है, आगे में संपाचक मोड़ है, यानी देख लीजिए अभी सामने की जो आपका घर यहीं पे है। हाँ जी, का बगल में घर है। अच्छा, इनका घर यहीं पे है, और यहाँ है 105 से शुरू होता है, जिसका पिलर और पिलर का पियर कैप भी बन गया है, यानी पिलर नंबर 103 और 104 अभी बनना बाकी है। दोस्तों यहाँ पे मैं पिलर नंबर 115 के पास में हूँ, और आज की इस वीडियो में मैंने आपको अपडेट दिया है परसा स्टेशन के ठीक बीचों बीच से जो पिलर बन रहा है उसके आगे से पिलर नंबर 82 से। तो वेलकम बैक दोस्तों, अभी हम परसा स्टेशन पे, और परसा स्टेशन में जो प्लेटफॉर्म को पार करने वाला होता है उस पे मैं अभी खड़ा हूँ, और यहाँ से आपको परसा स्टेशन के पास से लेकर के मीठापुर मोहली जो प्रोजेक्ट चल रहा है एलिवेटेड रोड का, उसका अपडेट देने वाला हूँ। परसा स्टेशन से लेकर के आगे जो संपाचक का मोड़ है, वहाँ से भी आगे जो है पिलर बन रहा है, वहाँ तक का आपको अपडेट कंप्लीट पिलर बाय पिलर के साथ देने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे चैनल टेक्निकल ब्लॉग। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को, इस वीडियो को, इस अपडेट को स्टार्ट करते हैं। सामने परसा स्टेशन है, यहाँ पे टिकट काउंटर है, टिकट कटता है यहाँ से, और यहाँ से देखिए वहाँ पे आपको जो पिलर दिख रहा है वो है पिलर नंबर 82। और देख लीजिए यहाँ पे पिलर नंबर 82 में जो है बेस का काम हो गया, सिर्फ पिलर का पियर कैप बनना बाकी है। ये है आपका 83, फिर यहाँ पे जो है ये है 84, आगे आपको दिख रहा है वो पिलर 85 है आगे, मतलब इस तरह से आपको जो भी पिलर दिख रहा है यहाँ पे आगे तक जो है अभी पिलर बन गया है, पिलर का बेस का काम हो गया, सतह का काम हो गया, और पिलर का भी काम हो गया है, पिलर का सिर्फ पियर कैप जो बनना अभी बाकी है इन एरिया में। आप एक चचा मिले हैं, बताइए कि मीठापुर मोहली जो रोड बन रहा है एलिवेटेड, इसमें क्या कुछ काम हुआ है? काम हुआ है आपको सिमारा से लेकर, अच्छा, और पेट्रोल पंप तक वो पूरा होने वाला है। अच्छा, परसा पेट्रोल पंप तक काम जो है पूरा होने वाला है? हाँ, पूरा होने वाला है। अच्छा, और इधर जो है आगे इस सब एरिया में जो है इधर पियर का जो ऊपरी भाग नहीं बना है, ऊपरी भाग नहीं बना है, इधर आगे आपको पता है कहाँ तक बन गया है? मतलब ये आपको छतना मोड़ तक बन गया है, छतना मोड़ जो है, परसा ये संपत्ति मोड़ से आगे 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 वहाँ तक पियर का निर्माण जो है हो गया। हाँ, हो गया। हाँ, हाँ। अच्छा, कहीं कहीं जो पियर का जो बनना है ऊपर जो होता है पियर का, वो बनना ही बाकी है। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमको सुरेश पासवान नाम है सर। अच्छा, चलिए धन्यवाद आपका। यहाँ पे ये है पिलर नंबर 84, और देखिये पिलर का जो बेस का काम जो है कम्प्लीट हो गया है, और पिलर जो है जमीन से ऊपर भी उठ गया है और यहाँ तक आके रुका है, और इसके बाद जो है अब पिलर जो बन गया है उसका पियर कैप जो ऐसा एरिया होता है वो पियर कैप इसका बनना बाकी। ऐसे ही जो जितना भी पिलर दिख रहा है यहाँ से मैं अभी दिख रहा हूँ, व्यू दे रहा हूँ आपको ऊपर से, जितना भी पिलर है सबका भी पिलर का पियर का पियर कैप जो है अभी बनना बाकी है। यहाँ पे जो है पिलर बनाने के लिए यानी इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कितना जगह खाली करा लिया गया है, और जगह खाली कराने के बाद जो है जितना भी दुकान था वो बैक साइड में शिफ्ट हो गया है, और उसके बाद जो है इस ब्रिज का, इस फ्लाईओवर का, इस मोहली एलिवेटेड का निर्माण किया जा रहा है। आगे में जो पिलर कुछ मुझे दिख रहा है, शायद आपको कैमरा में नहीं दिख रहा होगा, मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो वहाँ पे आप देखिएगा, तो वहाँ पे गौर से देखिएगा, तो उधर जो है यानी मुझे लगता है कि संपाचक जो मोड़ है जाने वाला, जो वाटर पार्क जाता है वहाँ से, उसे आगे जो पिलर बना हुआ उसका शायद पियर कैप भी बना हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ से। मैं चलता हूँ आगे, पहले चलता हूँ वहाँ पे पिलर नंबर 82 के पास में, और वहाँ से आपको अपडेट देता हूँ, और वहाँ से देते हुए फिर आगे जाऊँगा उस साइड तक, और आगे तक का आपको अपडेट दूंगा जहाँ तक पिलर का निर्माण जो है हो गया है। तो चलिए मेरे साथ आप वीडियो में बने रहिए। अब मैं चलता हूँ नीचे और पिलर नंबर 82 से लेकर के आगे तक का आपको अपडेट देता हूँ रोड पे सफर करके, बाइक चलाकर। यहाँ पे एफकॉन नाम की कंपनी इसका निर्माण कर रही है, और यहाँ पे लिखा हुआ मीठापुर टू मोहली एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट। यहाँ पे मैं नीचे के साइड में आ गया हूँ, और यहाँ पे देखिए मेरे पीछे बना हुआ पिलर नंबर 82, जिसका पिलर का बेस का काम और पिलर का काम हो गया है, सिर्फ पिलर का पियर कैप बनाना बाकी है। तो चलिए चलते हैं आगे उस साइड में, आपको वहाँ पे दिखेगा पिलर नंबर 83, तो वहाँ पे चलते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे और का संपूर्ण अपडेट देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए ये है पिलर नंबर 83, और इसका बेस का काम, पिलर का काम, और यहाँ पे पिलर का नंबरिंग भी कर दिया। देखिए ये है यहाँ पे पिलर नंबर 84, देखिए यहाँ पे पिलर नंबर 85 में कितना काम हो गया देख लीजिए, वीडियो के माध्यम से आपके सामने है। ये सामने जो आपको पिलर दिख रहा है ये है पिलर नंबर 86, जिसका नंबरिंग अभी नहीं किया गया। यहाँ पे देखिए ये है पिलर नंबर 87, और यहाँ से आगे बढ़ता हूँ तो पिलर नंबर 86 और 87 का जो है पिलर का नंबरिंग अभी नहीं किया गया है, लेकिन आगे जब बढ़ता हूँ तो आगे में आपको पिलर का नंबरिंग हुआ दिख जाएगा। देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, आगे मैं पैदल जा रहा हूँ अभी,
ताकि आपको दिखा सकूं कि यहाँ पे जो पिलर नंबर 88 बना हुआ है उसका यहाँ पे नंबरिंग किया गया और 89 में भी नंबरिंग किया गया है। देख लीजिए यहाँ पे आप, मैं दिखाता हूँ आपको, ये है पिलर नंबर 88, इसमें नंबरिंग किया गया, यानी पिलर नंबर 86 और 87 में नंबरिंग नहीं किया गया है, लेकिन बाकी सभी पिलर में जो है वो नंबरिंग भी कर दिया। हमने देखिए पिलर नंबर 89 है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ अभी, तो ये देखिए ये है पिलर नंबर 90 यानी 90, और फिर आगे बढ़ रहा हूँ मैं आपको, देखिए पिलर नंबर 91 वहाँ पे दिखा, और देखिए आगे में जो है एक ट्रक गुजर रहा है जिससे पानी छींटा जा रहा है रोड पे, वो देखिए ट्रक जा सामने जा रही है और उस ट्रक से जो पानी छींटा जा रहा है, जो मिट्टी उड़ रहा है इस वर्क कंस्ट्रक्शन में, उसके लिए अगर मिट्टी उड़ रहा है तो पानी छींटने का काम किया जा रहा है, ताकि जो है मिट्टी उड़ करके लोगों के आंखों में ना जब जाए और लोगों को रोड पे चलने में कठिनाई नहीं हो। और यहाँ पे देखिए पिलर नंबर 92 के पास हम पहुँच गए हैं, यहाँ पे देखिए पिलर नंबर 92 के पास में है और यहाँ पे जो है ट्रैफिक को यहाँ पे डाइवर्जन बनाया गया है और गोल स्लो भी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कार प्रगति पे है, और यहाँ से जो उधर से गाड़ी आ रही है परसा मोड़, यानी कहने का मतलब संपर्क का जो मोड़ है उधर से जो आ रही है, मोहली से जो आ रही है या फिर पुनपुन से जो गाड़ी आ रही है सीधा इधर से आ रही है, लेकिन यहाँ से जो है इस जगह से देखिए वहाँ पे लिखा हुआ परसा बाजार दक्षिण, यानी एक फाटक है वहाँ पे परसा स्टेशन का, और यहाँ पे डाइवर्जन बना रही है, इधर से जो जाने वाली गाड़ियाँ हैं वो इधर से जा रही है और उधर से आने वाली जो गाड़ियाँ हैं उधर से आ रही है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि देखिए डाइवर्जन यहाँ से बनाया गया लेकिन सभी गाड़ियाँ जो है उधर से ही जा रही है, जबकि डाइवर्जन बनाया गया कि गाड़ियाँ जो है इधर से निकले ताकि यहाँ पे संकीर्ण रोड हो जाते हैं, लेकिन सभी गाड़ियाँ जो है इधर से ना होकर के इधर से ही जा रही है। देखिए लोग गलती खुद करते हैं और कुछ होता है तो उनको खुद दिक्कत होता है। मैं डाइवर्जन के पास रुक करके वीडियो बना रहा था, यहाँ पे चाचा आए हैं, क्या दिक्कत हो रहा है चाचा आपको बताइए? डाइवर्जन में पानी नहीं गिरता है, पूरा सब सूखा रहता है, धूल उड़ रहा है और क्या। अच्छा, कहने वाले इधर पानी नहीं गिर रहा, उधर पानी गिर रहा है, घर तो लगता है लेकिन पेशाब कर रहा है होगा। अच्छा, तो यहाँ पे दिन भर पानी, मतलब दिन भर गिरता है कि अभी एक और गिरा देख छोड़ दिया गया? सवेरे तनमरी का देख लीजिए, अभी गिरा के गया है, एक तो सूखा सब देख लीजिए। जैसा कि हमें वीडियो में आपको दिखाया था कि ट्रक जो जा रहा है वो पानी रोड पे छिटने का काम कर रहा है, लेकिन चाचा बोल रहे हैं कि यहाँ पे पानी बहुत हल्का गिराया गया है। और देख लीजिए अभी सामने की आपका घर यहीं पे है? हाँ जी, का बगल में घर है। अच्छा, इनका घर यहीं पे है और यहाँ से जितना भी गाड़ी जाती है, ट्रक जाती है, बस जाती है, रोड पे जो धूल मिट्टी जमा हुआ है वो देखा जाए। चलिए देखते हैं आगे, देखा जाए देखिए ना कैसे घर के हालत। देखिए अभी पानी गिरा है, क्या गिरा है पानी, देखिए दिखाइए उनको जरा। देखिए बोल रहे चाचा बोल रहे कि पानी गिराया गया, लेकिन पानी जितना प्रॉपर वे में गिराना जाना चाहिए उतना नहीं गिराया गया, बस हल्का हल्का छींट के चला गया है। और यहाँ पे इनका घर है, उबारा है, बराती कैठी छिटाई थी पानी, फुबारा बरसा, मतलब कहने का अच्छे से पानी छीटा मतलब होना चाहिए ताकि धूल नहीं उड़े। हाँ, हाँ जी। अच्छा चाचा, कहने का माध्यम है, वीडियो के माध्यम से बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो भी पानी छीटने वाला ट्रक जाती है वो अच्छे से पानी छीटे, ताकि हम लोग को जो धूल के कारण परेशानी होती है, इनके घर में बच्चे भी होंगे, छोटा बच्चा भी होगा, वो धूल उनके घर तक पहुँचती है, धूल के कारण इनको कितना दिक्कत होती होगी। हमें लोग जानते हैं, गिरा के गया, देख लीजिए कितना गिरा। देखिए चाचा बोल रहे हैं अभी पानी गिरा के गया, लेकिन बीच में हल्का हल्का पानी है, लेकिन इधर मतलब दोनों साइड में पानी, अच्छे से पानी नहीं गिरा गया ताकि जो भी मिट्टी है वो जमीन में सड़ जाए। उधर से सब गिरा के आता है, इधर खाली ढकर ढकर ले जाता है। अच्छा, ऊंची होता है। चलिए वीडियो बना दिए आपका, वीडियो जाएगा यूट्यूब पे, ठीक ना, लोग देखेंगे। कहना है कि धूल जो है, गर्मी का मौसम है, धूल देखिए ट्रक आ रही है सामने से, देखिए, और ये ट्रक जो है, ट्रक का जो चक्का उससे पूरा धूल उड़ता हुआ जाएगा। और चाचा बोल रहे हैं कि दिन भर में बस अभी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का 7 बजने वाला है या फिर बज गया होगा, तो यहाँ पे देखिए धूल उड़ रहा है, देखिए ट्रक जा रहा है, धूल उड़ रहा है। चाचा कहने का मतलब कि टाइम टू टाइम हर 2-3 घंटे पानी गिरना चाहिए ताकि जो है धूल उड़े ना, और हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं जो यहाँ पे ग्रामीण निवासी है उनको खासा दिक्कत हो रहा है इस धूल की वजह से। तो चलिए धन्यवाद, यहाँ पे जो है मैं पिलर नंबर 93 के पास आ गया हूँ और यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ, और चाचा बोल रहे थे कि पानी यहाँ पे नहीं, बिल्कुल भी नहीं गिराया गया। देखिए यहाँ पे बहुत हल्का हल्का पानी गिराया गया है, और यहाँ पे चाचा रहते हैं इसलिए वो मतलब उतना बोल रहे थे चाचा, क्योंकि उनको डेली इस चीज़ का सामना करना पड़ता है, काफ़ी उनको दिक्कत होता होगा उनके घर में, उनके मतलब जो भी है बिस्तर बेड जहाँ पे भी। देखिए 94 के पास में आ गया, उनको काफ़ी परेशानी होती होगी इसलिए चाचा उतना बोल रहे थे, और ये सही बात भी है कि यहाँ पानी जब गिराया जाता है तो अच्छे से गिराया जाए ताकि जो है धूल जो है बहुत कम उड़ पाए, कितना भी गिराया जाएगा लेकिन धूल तो उड़ेगा ही, लेकिन ज़्यादा गिराया जाएगा, एक लिमिट तक गिराया जाएगा जितना गिरना चाहिए, तो उससे धूल जो है काफ़ी कम उड़ेगा और प्रॉब्लम कम होगी। यहाँ पे देखिए हम आ गए हैं पिलर नंबर 95 के पास में, और ये पिलर जो है अभी अभी मतलब कुछ दिन पहले निर्माण हुआ है, नंबरिंग कर दिया गया है, लेकिन इसका जो पेंट होता है, प्राइमर होता है, वो भी नहीं किया गया, और देखिए शटरिंग अभी लगा हुआ ही है। यहाँ पे देखिए पिलर नंबर 96 है और 96 में जो है शटरिंग लगाया गया है, और देखिए पिलर का जो पियर कैप होता है उसको बनाने के लिए यहाँ पे सरिया वगैरह बांधा गया है,
और देखिए सरिया बांधा गया। अब जो है पिलर नंबर 96 से लेकर के आगे जो है वहाँ पे आपको जो भी पिलर दिख रहा है मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा, उसमें जो है पिलर का पियर कैप जो होता है उसको बनाने के लिए सरिया को बांधा जा रहा है और कहीं कहीं बांध भी दिया गया, जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि बांध दिया गया। पिलर नंबर 96 जो पड़ता है, देखिए यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय है रहीमपुर, ये रहीमपुर एरिया में पड़ता है। और यहाँ पे देखिए मैं पिलर नंबर 97 के पास में हूँ और यहाँ पे देखिए पिलर का पियर कैप बनाने के लिए जो है सरिया को बांध दिया गया है। और इससे आगे जो भी दिख रहा है ये 97 है और 98-99 आगे जो भी पिलर यहाँ से मुझे विजुअल हो रहा है दिख पा रहा है उसमें पिलर का पियर कैप बनाने के लिए सरिया को जो है वो बांध दिया गया है। वो देखिए पिलर नंबर 98 का क्या वर्क कंस्ट्रक्शन है, वर्क प्रोग्रेस सामने है आपके। और ये देखिए पिलर नंबर 99 का वर्क प्रोग्रेस देखिए आपके सामने। आगे जो कि देखिए पिलर नंबर 100 है वहाँ पे जो है क्रेन भी लगा हुआ है। तो चलिए चलते हैं पिलर नंबर 100 के पास में। देखिए यहाँ पे मैं आ गया हूँ पिलर नंबर 100 यानी 100 के पास में और यहीं पे देखिए ये क्रेन लगा हुआ है और इसी सब मशीन से जो है इस मीठापुर मोहली एलिवेटेड का जो काम है वर्क प्रोग्रेस है वो किया जा रहा है। वो देखिए पिलर नंबर आपको वहाँ पे दिख रहा है 101 यानी पिलर नंबर 101 और आगे मैं पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा देखिए पिलर नंबर 102। देखिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ और ये है आपका पिलर नंबर 102। देखिए वर्क इसका प्रोग्रेस कितना हुआ है, पिलर कैप का निर्माण होना अभी बाकी है। देखिए यहाँ पे पिलर नंबर 102 है और इससे आगे दो पिलर और जो बनना है, आगे में संपाचक मोड़ है यानी वाटर पार्क रोड जाने का रास्ता है वहाँ पे जो है उसके आगे से जो है पिलर बना हुआ है, पिलर का पियर कैप भी बन गया है। लेकिन यहाँ पे जो पिलर नंबर 103 है और 104 जो है वो अभी दिख नहीं रहा है। आगे मैं अभी जाकर देखा था तो यहाँ पे जो है पिलर का सतह का काम जो है यहाँ पे दिख रहा है, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ बैक कैमरे। पिलर का जो पाइलिंग का काम हो सकता है हुआ है, यहाँ पे देखिए सरिया भी निकला हुआ है और वहाँ पे देखिए संपाचक का मोड़ है, वहाँ पे पिलर नंबर है 105 से शुरू होता है जिसका पिलर और पिलर का पियर कैप भी बन गया है। और इधर साइड में आपको जो दिखाया पिलर नंबर 102 है यानी पिलर नंबर 103 और 104 अभी बनना बाकी है। यहाँ पे संपाचक जाने वाला मोड़ है, रास्ता है यहाँ पे आगे वाटर पार्क, यहाँ से आप जा सकते हैं। वाटर पार्क जाएंगे तो यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर पड़ता है और इसके ठीक बगल में ये है पिलर नंबर 105। यहाँ पे देखिए मेरे पीछे है पिलर नंबर 105 और मैं पिलर नंबर 105 के ठीक बगल में खड़ा हूँ और आगे मैंने आपको दिखाया कि संपाचक का मोड़ है और इस साइड जब आगे बढ़ता हूँ तो इस साइड आपको दिखेगा पिलर नंबर 106। देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ तो देखिए इस साइड में जो है वो है पिलर नंबर 106। तो 105 से जो भी आगे पिलर मुझे अभी यहाँ पे विजुअल में दिख पा रहा है उसका पूरा पिलर का निर्माण जो है कंप्लीट हो गया, पिलर का और पिलर का पियर कैप यानी पूरे पिलर का निर्माण जो है वो कंप्लीट हो गया है जहाँ तक मुझे दिख रहा है। और आगे कुछ वहाँ पे देखिए काम भी चल रहा है, वहाँ पे क्रेन से कुछ काम किया जा रहा है इस मीठापुर मोहली एलिवेटेड प्रोजेक्ट पे। सामने जो पिलर आपको दिख रहा है यहाँ पे क्रेन से काम हो रहा है, ये पिलर नंबर 107 है जिसका अभी नंबरिंग नहीं किया गया है। मैं बढ़ रहा हूँ आगे और यहाँ पे देखिए ये जो पिलर आपको दिख रहा है ये है पिलर नंबर 108 जिसका भी निर्माण कंप्लीट हो गया, नंबरिंग अभी नहीं किया गया। पिलर नंबर 108 से मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे ये जो पिलर है ये है पिलर नंबर 109 और इससे आगे बढ़ूंगा तो देखिए ये जो है पिलर आपको दिखेगा वो है पिलर नंबर 109 के बाद 110। यहाँ पे देखिए पिलर नंबर 110 है जिसका भी नंबरिंग नहीं किया गया है और आगे बढ़ता हूँ तो आपको दिखेगा पिलर नंबर 111। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ आपको, वीडियो बने रहिएगा। देखिए ये है पिलर नंबर 111 जिसका नंबरिंग कर दिया गया है देखिए यहाँ पे, और उसके बाद आगे बढ़ता हूँ तो पिलर नंबर आपको 112 दिखेगा। तो धीरे धीरे इधर का जो पिलर है 105 से जो पिलर बना है वो धीरे धीरे पिलर जो है डाउन हो जा रहा है। देखिए आप ये है पिलर नंबर 112, यहाँ पे देख लीजिए आपको दिख रहा होगा धूप के कारण हो सकता है हल्का हल्का दिख रहा होगा। देखिए ये है पिलर नंबर 112, देखिए पिलर नंबर 111 है। मैं आपको दोबारा इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं आते समय उधर से वीडियो शूट किया जब उसको रिप्ले कर रहा था तो वो दिख नहीं रहा सही से प्रॉपर वे में नंबर धूप के कारण। और ये देखिए ये है पिलर नंबर 112। आगे जो 105 जो पिलर नंबर है वहां से जो भी पिलर इधर बना हुआ दिख रहा है मुझे ये यहाँ से 112 है। आगे देखिएगा तो पिलर धीरे धीरे जो है 100 वहाँ पे देखिए 13 है फिर 14 है, मैं आगे चलूंगा अभी। देखिए पिलर धीरे धीरे जो है वो डाउन होता जा रहा है यानी आगे जो है जो ये
ब्रिज है वो जमीन पे आएगा और कनेक्टिविटी दिया जाएगा और फिर आगे जो है फिर हो सकता है उसे उठाया जाएगा। जो कुछ भी है वीडियो के माध्यम से जो भी अभी दिख रहा है जमीन स्तर पे, मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे पिलर नंबर 113 में कितना काम हो गया आप देख लीजिए, पूरा पिलर बनकर तैयार हो गया, लेकिन पिलर ये धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। देखिए पिलर नंबर मैंने आपको दिखाया अभी 113 114 के पास मैं पहुँचने वाला हूँ, देख लीजिए ये है पिलर नंबर 140 यानी 114। और आगे में आपको जो पिलर दिख रहा है वहाँ पे वो है, उसका नंबरिंग अभी नहीं किया गया है, लेकिन ये है पिलर 115। तो यहाँ पे मैं पिलर नंबर 115 के पास में हूँ और आज के इस वीडियो में मैंने आपको अपडेट दिया है परसा स्टेशन के ठीक बीचों बीच से जो पिलर बन रहा है उसके आगे से पिलर नंबर 82 से लेकर के जो भी पिलर बन रहा है 115 तक का अपडेट यहाँ पे दिया हूँ। और जिसमें कि पिलर नंबर 105 से लेकर के 115 तक जो है पिलर का पियर कैप बन गया है, लेकिन मैं जो अपडेट दिया हूँ 82 से लेकर के पिलर नंबर 102 वहाँ तक जो है पिलर का निर्माण हो गया, लेकिन उनका पियर कैप जो ऐसा वाला एरिया होता मतलब ऐसा वाला जो फ्रेम होता है वो पियर कैप अभी नहीं बना है। और पिलर नंबर 103 और 104 जो है अभी पिलर दिख ही नहीं रहा है, हो सकता है जमीन के अंदर काम हुआ होगा लेकिन पिलर जो है जमीन से ऊपर नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने यही अपडेट कवर करने की कोशिश किया हूँ। मीठापुर मौली एलिवेटेड जो प्रोजेक्ट चल रहा है, फ्लाईओवर चल रहा है जो कि बनने वाला है मीठापुर से लेकर के आगे मोहली जो है वहाँ तक, तो काम जो है मुझे यहीं तक अभी दिख रहा है पिलर का, तो मैं यहीं तक का अपडेट इस वीडियो में आपको दिया हूँ। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये अपडेट आपको अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैं आगे तक अगर शूट करूँगा, आगे भी कुछ ज़मीन पर काम हो रहा है लेकिन आगे तक किसी दूसरे वीडियो में शूट करूँगा, वहाँ तक अगर शूट करूँगा तो ऐसे भी लगता है मुझे वीडियो जो है 10 मिनट से ऊपर का हो गया है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप लोग बोर हो जाएंगे देखने में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये अपडेट आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर दिया, कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये अपडेट कैसा लगा। और कोई भी क्वेश्चन कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल टेक्निकल बिहार ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय बिहार।